नमस्ते बच्चों, अप्पा पब्लिक स्कूल के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रश्मि सी हिरेमन। तो कल की कक्षा में हम पाठ दो, कागज की नाव पाठ का आधा भाग अध्ययन किए थे। तो उस पाठ में क्या क्या होता है बच्चों? विद्या नाम की एक लड़की थी उस पाठ में। तो वो लड़की अपनी माँ से क्या करती है, सुबह कल सुबह जल्दी उठाने के लिए अपनी माँ को बताती है, और बताने के बाद माँ क्या प्रश्न पूछती है, क्यों बेटा कल तो आपकी पाठशाला का छुट्टी है, आप किस लिए जल्दी उठना चाहती है, बोलकर अपनी बेटी से पूछती है। तो विद्या क्या करती कहती है, देखो माँ, मेरे कल मेरे दोस्त खेलने के लिए मेरे घर आने वाले हैं, इसीलिए तो सभी आने से पहले मुझे क्या करना है, जल्दी उठ के तैयार होके बैठना है, इसीलिए आप मुझे जल्दी उठाना, बोल के अपनी माँ को करती है। तब माँ क्या बोलती है, जल्दी उठना है तो अब जल्दी सोना है बेटा, बोलकर विद्या को वो सुलाती है। अगले दिन क्या होता है, जब विद्या उठकर खिड़की से बाहर देखती है, तब विद्या को क्या दिखाई देता है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे और ठंडी सी हवा निकल रही थी। यानी विद्या को क्या संकेत मिलता है, बारिश होने वाला है, बोलकर विद्या के समझ में आ जाता है। तब विद्या क्या करती है, अपनी घर से बाहर आके आंगन में उस बारिश में खेलने लगती है, क्योंकि बारिश में खेलना तो सबको पसंद होती है, इसीलिए विद्या क्या करती है, उस बारिश में भीगने के लिए शुरू करती है। भीगते भीगते विद्या क्या करती है, उस बारिश के बूंदों को पकड़ने का कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करने पर भी विद्या उस बूंदों को पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो जो पानी है वो उनके हाथ से फिसल कर जा रहे थे। बाद में क्या होता है, विद्या की माँ देखती है कि विद्या बारिश में भीग रही थी, तब विद्या की माँ ने क्या करती है, विद्या को अंदर बुला लेती है, क्योंकि बारिश में भीगने से क्या होता है, बारिश में भीगने से बीमार पड़ जाते हैं, इसी कारण विद्या की माँ क्या करती है, विद्या को घर में बुला लेती है। तब विद्या बाद में क्या करती है, नहा धोकर नाश्ता करके उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तब माँ क्या करती है, विद्या के पास जाके उसके उदासी का कारण क्या है वो पूछती है। पूछने पर विद्या क्या बोलती है अपनी माँ को, अपनी माँ को विद्या बोलती है कि देखो ना माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आज बहुत सारा खेलने वाली थी, लेकिन बारिश होने के कारण वह काम संभव नहीं हुआ, हम नहीं खेल सकते, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बोल के विद्या क्या करती है, निराश होकर बैठ जाती है। यहाँ तक तो हम क्या किए थे, कल की कक्षा में हम पढ़ चुके थे। अब आगे क्या होता है, इस पाठ को पढ़कर हम आगे का अर्थ को जानेंगे। तो आगे क्या होता है देखिए बच्चों, माँ ने कहा, चलो मैं तुमको बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। विद्या उछल कर बोली, अरे वाह, नया खेल, जल्दी जल्दी सिखाओ ना। देखो, जब विद्या को दुख हुआ था, निराश हुई थी, तब माँ क्या करती है, उनको समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसे विषय पर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बारिश आ रहा तो क्या हुआ, बारिश में भी हम खेल सकते हैं, वैसा एक खेल है, वो कौन सा खेल है मैं तुम्हें सिखाती हूँ और बताती हूँ, आओ, बोलकर विद्या को क्या करती है, वहां से लेकर चली जाती है। बाद में क्या होता है, विद्या को आश्चर्य होता है और खुशी भी होता है। पहले विद्या को क्या हुआ था, बहुत दुख हुआ था, किस लिए दुख हुआ था, क्योंकि बारिश होने के कारण विद्या नहीं खेल सकती थी, लेकिन जब माँ बताती है बारिश में भी हम खेल सकते हैं, बोलकर बोलने के बाद विद्या को क्या होती है, बहुत खुशी भी होती है और आश्चर्य भी होती है, बारिश में हम कौन सा खेल खेल सकते हैं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था ना, बोलकर विद्या को आश्चर्य होती है। आश्चर्य होने पर विद्या क्या करती है, अपनी माँ से पूछती है कि अरे वाह, बारिश में भी हम खेल खेल सकते हैं क्या, वो कौन सा खेल है, मुझे जल्दी सिखाओ ना माँ, बोलकर वो अपनी माँ को पूछती है। पूछने के बाद माँ उसको वो नया खेल कौन सा था वो खेल सिखाती है। देखो बच्चों, माँ ने विद्या को कागज की नाव बनाना सिखाया। जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते पानी में अपनी पहली नाव तैराई। देखो, विद्या की माँ ने विद्या को कौन सा खेल सिखाया, कौन सा खेल खेल सकते हैं हम बारिश में,
नाव बना के हम बारिश में खेल सकते हैं। नाव मालूम है ना, ऐसे होते हैं नाव, कागज का नाव इस तरह का होते हैं। आप देखे होंगे, आप भी बनाए होंगे है ना बच्चों, कागज का नाव ऐसे होते हैं। तो विद्या की माँ ने क्या किया, ऐसा कागज की नाव बनाना विद्या को सिखा दिया। और तब विद्या क्या करती है, उस कागज की नाव को लेकर जब बारिश थमी, थमने का अर्थ होता है, मैं शब्दार्थ में कल आपको बताई थी ना, थमने का अर्थ क्या होता है, थमी का अर्थ होता है रुक जाना। जब बारिश रुक जाती है, पहले बारिश कैसा था, बहुत जोर से आ रहा था, बाद में धीरे धीरे आने लगता है। जब बारिश रुकता है तो विद्या क्या करती है, घर के बाहर जाकर जो पानी बह रहते उस पानी में क्या करती है, वो बनाई हुई नाव को उस पानी में तैरने के लिए छोड़ देती है। ऐसे इस तरह से देखो बच्चों, इधर दिखाई दे रहे हैं ना, पानी में क्या करती है विद्या, नाव को तैरने के लिए छोड़ देती है। आगे क्या होता है देखो बच्चों, पास वाले घर की बालकनी से राधा भी देख रही थी। उसने ताली बजाकर कहा, मैं भी नीचे आती हूँ। राधा कौन है इस पाठ में, राधा कौन है, पहले हम पाठ पढ़ चुके थे तब विद्या बताती है ना, राधा विद्या की सहेली थी। वो उनके घर के बालकनी में, बालकनी यानी घर के आगे, घर के ऊपर जो छत रहता है ना, खुला जगह रहता है ना घर के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, बालकनी कहते हैं। बारिश होने के कारण वो उधर रुकी थी और बाहर के वातावरण को राधा क्या कर रही थी, देख रही थी। तब उसको क्या नजर आता है, विद्या नाव बनाकर खेलने का दृश्य राधा के नजर में आ जाती है। तब राधा क्या कहती है विद्या को, ताली बजाकर उसे आवाज देती है कि अरे वाह विद्या, तुमने नाव बनाकर खेल रही हो, बहुत अच्छा खेल है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए आती हूँ, रुको, बोलकर उसे राधा क्या करती है विद्या को आवाज। इतने में रमन और सौम्या भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगे नावे तैरने लगी। देखो राधा के साथ और कौन कौन आ गए, रमन और सौम्या भी आ गए। जो बाकी दोस्त थे विद्या के, वो दोनों भी क्या किए, विद्या के पास आ गए। और विद्या से कौन सा क्या सीख लिया विद्या से उन्होंने, विद्या से कागज की नाव किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में सीख लिया। और रंग बिरंगे यानी कलर कलर के, ऐसा बनाते हैं ना क्राफ्ट पेपर से, रंग बिरंगे नाव बनाकर सभी बच्चों ने क्या हुआ, क्या किया, बहते हुए पानी में उन नावों को बहने के लिए छोड़ दिए। इस तरह से है ना बच्चों, नाव को ऐसे छोड़ दिए तैरने के लिए सभी बच्चों ने। तो सभी ने क्या सीखा विद्या से, नाव बनाना सीख लिया और पानी में उस नाव को छोड़ दिए। तब वह दृश्य कैसा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि ऊपर बारिश था थोड़ा थोड़ा और वातावरण पूरा ठंडा सा था। और उसमें क्या कह रहे थे, सब क्या कर रहे थे, सभी बच्चे रंग बिरंगे नावों को छोड़ रहे थे। तो वो दृश्य देखने के लिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। तब माँ क्या पूछती है बच्चों से, देखो, था ना यह नया खेल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी बच्चे उदास हुए थे, बारिश हो रहा है हम खेल नहीं सकते बोलकर, विद्या और विद्या के दोस्त सभी को दुख हुआ था, वो सभी निराश हुए थे। तब जब माँ उनको नया खेल सिखाती है, तब बच्चों के मुंह के ऊपर खुशी देख के माँ को भी खुशी होती है। और तब माँ पूछती है कि बच्चों यह खेल कैसा लगा आपको, अच्छा है ना, बोलकर माँ उन बच्चों से पूछती है। तो बच्चों आपको भी यह पाठ समझ में आ गया ना, तो कैसा था पाठ, बहुत अच्छा था ना। तो हर पाठ पढ़ने के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ उस पाठ से एक सीख मिलती है। तो आपको इस पाठ से क्या सीख मिला है, थोड़ा विचार करके बताइएगा, क्या सीख मिला है इस पाठ से आप लोगों को। वेरी गुड। क्या होता है, कभी कभी हमारे मन की इच्छा और कामनाएं पूरी नहीं हुए तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें कैसी भी समस्या आने पर
हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास से उस आई हुई समस्या का समाधान निकालना चाहिए, उस मार्ग को, नए मार्ग को ढूंढना चाहिए। ऐसे उदास होकर बैठने से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समस्या का परिहार निकालने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको भी समझना है कि आपको भी कुछ समस्या और कठिनाइयां आए तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आत्मविश्वास से क्या करना है, कुछ नए मार्गों को ढूंढना है उस समस्या से बाहर आने के लिए। अच्छा था ना बच्चों, आपको समझ में आया ना सबको? तो धन्यवाद।